सर एक बहुत अच्छा मौका आज आप तीनों अधिकारियों ने और माननीय पालक मंत्री जी ने हमें दिया है, क्योंकि हम फेडरेशन के माध्यम से सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष और हम सोशल लोग आपके कैबिन में कार्ड देके घुस के आपसे मिल लेते हैं। आपको अपनी मन की व्यथा या हमारे सदस्यों की व्यथा आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं सर, और जो भी आप संदेश देते हैं हम अपने तरीके से आगे पास करते हैं, और जो भी संदेश आप इस शहर को मीडिया के माध्यम से देते हैं, आपके पास जो समय होता है उसके अंदर आप संदेश देना चाहते हैं, पर उस संदेश का एक परसेप्शन 30 लाख लोग, 25 लाख लोग, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया वो 25 लाख लोग देखते हैं सर, और वो अपने अपने तरीके से उसका एक माइंड में मॉडल तैयार कर लेते हैं कि साहब का मतलब बोलने का ऐसा है, हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए ख़राब है, ये हमारे धंधे का नुकसान है या ये मेरी गाड़ी पकड़ी जानी है या मुझे इन्होंने अंदर करना है या मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेना है, या ये उस नेता का साथ दे रहे हैं या उस नेता का साथ दे रहे हैं, उस पार्टी से बात कर रहे हैं, इस पार्टी से बात कर रहे हैं। सर हमने ये मंच इसलिए यहाँ पर सबके साथ साझा किया कि नागपुर की सारी जनता इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सुने, आपको समझें, आपके कानून लगाने के तरीके से या लॉकडाउन करने का तरीका हो या लोगों को समझाने का तरीका हो, उस तरीके को वो डायरेक्ट रूबरू आपसे समझने के लिए ये प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया सर। और आप तीनों ने जिस तरह से मंत्री महोदय ने हमें सहयोग किया, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। भगवान ने चाहा तो हम ऐसे मौके का और भी फायदा उठाएंगे, आपको पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में बात करेंगे हम सब मिलकर, ताकि ये दो पहलू सर, ट्रेड इंडस्ट्री और जनता, ये दोनों के बीच के आप ब्रिज हैं। आप हम सबको चलाते हैं, आप शासन चलाते हैं, नागपुर का प्रशासन चलाते हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं सर लोग, बहुत अपेक्षाएं। क्या होता है कि वो सामने वाला जब कोई निर्णय आपका देखता है उसका नजरिया चेंज हो जाता है। आप सारी बातें शासन में, प्रशासन में रह के बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें लिमिटेशन होती है, पीछे के दायरे होते हैं, उस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आपको बहुत सारे फोर्स होता है, निर्णय लेना पड़ता है कि आपके सामने एक समाज नहीं होता या कोई ट्रेड इंडस्ट्री नहीं होती है, या आपके पास सिर्फ फुटकर व्यापारी नहीं होते, या इंडस्ट्री नहीं होती, या जनता नहीं होती, या झुकी झोंपी नहीं होती, आप एक ओवरव्यू से आप देखते हैं चीज़ों को, उसके साथ लागू करना चाहते हैं। तो ये अपेक्षा हमारी इस शहरवासियों को रहेगी कि आप हमें सारी चीज़ें बताएं, ताकि हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ और समझ के आपके साथ खड़े रहे, ताकि आने वाली जो महामारी है, जो हमें तंग कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमारे घरों का नुकसान कर रही है, हमारी आर्थिक नुकसान कर रही है, उससे बच सके। अश्विन अग्रवाल जी, धन्यवाद मुन्ना भैया। सबसे पहले मैं हमारे डॉक्टर नितिन राउत जी, जो हमारे गार्जियन मिनिस्टर है, हमारे कलेक्टर मैडम विमलार मैडम, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर राधाकिशन बीज जी, हमारे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे आगरा पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ, जब सेकेंड वेव आई थी नागपुर में, तो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने, जो उस समय के कलेक्टर साहब थे हमारे CP साहब अमितेश कुमार जी ने, जो काम करा वो, और अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर नितिन राउत जी हमारे गार्डन मिनिस्टर, वो बहुत सराहनीय है। हम सुबह 8 बजे भी कलेक्टर साहब का या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाते थे तो वो वहाँ मिलते थे, रात को 10 बजे भी कोई समस्या के जाते थे तो वो वहाँ ऑफिस में रहते थे। यानी ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट और इसके लिए जो ऑर्डर्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या कभी कभी बात करते हैं वो अलग है, लेकिन हर तरीके से कलेक्टर मैडम ने, कलेक्टर साहब जो हमारे राधाकिशन, जो पहले रविंद्र ठाकरे जी थे म्यूनसिपल, इन्होंने कोविड में सेकेंड लहर में बहुत काम करा, इसके बिगर हमारे शायद कंट्रोल में नहीं आता, दिन रात सबकी मेहनत थी, उसके बाद ही शहर कंट्रोल में आया। मुझको राधाकिशन बी जी का मॉडरेशन के लिए कहा गया है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में अभी जो वैक्सीनेशन की पोजीशन है, 13 लाख वैक्सीन फर्स्ट डोज हो गए, सेकेंड डोज 6 लाख करीब हो गए, टोटल ऐसे 19 लाख डोज अभी तक नागपुर शहर में हमारे हो चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ 70% के आसपास हो गए नागपुर की पॉपुलेशन के। सर एक जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई उसके बाद में हमने एसोसिएशन से कुछ क्वेश्चंस कॉल करे थे, तो जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे, आपसे बात करेंगे। जो एक महाराष्ट्र शासन का
4 जून का जो ऑर्डर था जिसमें 5 लेवल डिफाइन करे गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी रेट क्या रहना चाहिए और वो किस प्रकार से लॉकडाउन में जाएगा, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और कंप्लीट लॉकडाउन करके, उसमें ऑक्सीजन बेड की भी संख्या सब डिफाइन करी हुई थी। तो हम एज ए ट्रेड एसोसिएशन सारे व्यापारियों ने वो ऑर्डर का स्वागत करा ताकि हमको दिखते रहेगा कि हम किस लेवल में जा रहे हैं और हम इमीडिएट वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, सब कर सकते थे। तो क्या वो ऑर्डर आपके हिसाब से सही था कि नहीं था सर? वो सबको नमस्कार। आपने जो बताया जो शासन का जो नोटिफिकेशन के बारे, शासन ने अपना फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का अपना पूरा एक्सपीरियंस पूरा समझ के हर स्टेट में हम कैसे हम उसको अप्रोच किए, हर जिले में हर शहर में कैसे एक प्रकार का उसका रेस्पॉन्स मिला, उस पर क्या और बदलाव लेके आना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जब हुआ था तब हर शहर में अलग अलग तरीके का गाइडलाइंस जारी कर रहा था, हर शहर में अलग अलग प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस था। उससे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और जो पूरा स्टेट का लेवल पे कुछ प्रकार का यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकते हैं क्या, उसको कुछ ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस दे सकते हैं क्या, उसके सब पूछताछ करके सब लोगों के फीडबैक्स लेके सब एक्सपीरियंस के आधार पे तैयार हुआ वो गाइडलाइन था। फिर भी वो गाइडलाइन में एंड में ये भी माना गया था जो ये दिस आर द बेंचमार्क्स उन्होंने निश्चित किया, जैसे पॉजिटिविटी रेट, ऑक्सीजन लेवल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव में आप अपना ऑक्सीजन लेवल का कुछ भी समस्या हमने फेस नहीं किया था, दो डेथ रेट्स वेर हाई बट वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ थिंग। आफ्टर डेल्टा के वेरिएंट्स आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन का और नंबर ऑफ केसेस इतना बढ़ गया था, अपना शहर में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 220,000 केसेस इन द मंथ इन 3 मंथ्स टाइम अपने पास आ गया था। सो ये सब चीज़ ध्यान में रखे, कल ऑक्सीजन का कंडीशन आए तो क्या होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इज अ मर्यादा है, उस पर बाहर से हमको लेके आना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ ध्यान में लेके गवर्नमेंट ने जारी किया था नोटिफिकेशन। सो वो एकदम ऑब्जेक्टिव था, उस पर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कुछ प्रकार का रिलैक्सेशन दिया था, जैसे इफ द डिस्ट्रिक्ट वॉन्ट्स टू पुट मोर restrictions, not the relaxation. If they want to put more restriction, they can always do it based on the local condition. So, uske hisab se it is a much balanced and absolutely need of the hour, aise mujhe lag raha hai. Sir, jaise hum dekhte hai ki jo nirbandh, restrictions, lockdown, hum log lagate hai, shops ke timing kuch hum log kam karte hai, 4 baje tak kar dete hai, तो काफ़ी सारे व्यापारी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारा 2-3 दिन पहले मीटिंग हुआ तो सबके ये थे, उससे फ़ायदा क्या होता है? कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि जब मीटिंग में बात होती है तो सब बोलते हैं कि 2 से 4 बजे तक हमको संभालने का भी मौका नहीं मिलता, इतना रश हो जाता है। जबकि अगर टाइम बढ़ा हुआ रहा, 7 बजे तक 8 बजे तक रहा, तो कस्टमर्स डिवाइड होकर आता है, वो अपनी सुविधा से आता है। और जैसा कि कलेक्टर मैम ने बोला कि अभी शॉपिंग नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल मैडम आपके साथ हूँ। एज ए नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमने हमेशा बोला है जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही बाहर रहा है, और अगर 4 लोग की ज़रूरत नहीं है तो एक आदमी आके अपना सामान लेके अपनी जीविका चलाए। तो सर 4 बजे तक करने से मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा रश होता है और उसमें प्रॉब्लम आती है। उसमें हमारे ट्रेड का ऐसा बोलना है कि जो अगर 7 बजे बंद कर रहा है तो आपका ऑर्डर आना चाहिए, नहीं आप 10 बजे तक करो ताकि लोग स्प्लिट होके आए। इसके बारे हमने बहुत बार डिस्कस किया, मैं वापस बाकी लोगों को फायदा के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। पहला चीज हम सब अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये तो पैंडेमिक है विच नन ऑफ अस इन द हॉल हैज एवर सीन। एक्चुअली 100 साल का पहले स्पैनिश फ्लू आया था, उसके बाद पहला बार हमने इसका फेस कर रहा है। सो इसका जो सोशल रिस्पॉन्स, पब्लिक रिस्पॉन्स कैसे तरीके से होना चाहिए उसके बारे वी लर्न एंड वी गो अहेड। एक्चुअली हर चीज़ को जितना क्विकली हम लर्न कर रहे हैं उतना अच्छे से हम कंट्रोल कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का याद रहेगा होगा जो फरवरी में जब केसेस इधर बढ़ने का शुरू हो गया था, तब माननीय पालक मंत्री महोदय ने एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने जाहिर किए थे। फिर बाद में
बाकी जगह पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है करके बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, फिर थोड़ा कुछ हमने ओपन कर दिया था, फिर उसके बाद केसेस तो बढ़ गया, जो हमारा जो अप्रहेंशन था, हमारा जो शंका था, वो पालक मंत्री महोदय जो से बदले वो सही जगह निकला था। फिर बाद में उसको सुझा समझ के बाहर निकलने में हमको बहुत समय लग गया, उस पर इतना ज़्यादा केसेस आ गया था। कमिंग टू द टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैंडेमिक इज संसर्गणीय पैंडेमिक एक्चुअली। जितना मोबिलिटी बढ़ता है उतना ईजिली फैलाता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग अवर सेकेंड वेव, अपना एक्सपीरियंस हम देखेंगे तो दिस डेल्टा वेरियंट इज मच मोर कंटेजियस दैन द प्रीवियस वेव एक्चुअली। सो इसके हिसाब से अपना जो ये जो हम जो निर्णय ले रहे हैं, ये क्या आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है और बेस्ड ऑन सम आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं, कैसे प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लेके आने के बाद केसेस उस हफ्ते का स्टेबलिश हो रहेगा, पॉजिटिविटी रेट में आर वी एबल टू रीच द प्लैट्यू और स्टिल वी आर गोइंग अहेड, इज इट रिलेटेड टू हम अपना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और बेड अवेलेबिलिटी का तालमेल हो रहेगा, ये ऐसे बहुत सारे पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को एनालिसिस करके कैसे प्रकार का लोगों का पब्लिक का मोबिलिटी का टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टीमेटली वट एवर हम कागज में लेते हैं इट हैज़ टू बी इन्फोर्सेबल। एक्चुअली पुलिस को हम क्लैरिटी में नहीं देंगे, हम इतना समय तक ये को इसको बंद करना पड़ेगा, पुलिस विल नॉट बी एबल टू इन्फोर्स एक्चुअली। फिर अल्टीमेटली अपना जो कॉमन पब्लिक के लिए वो पब्लिक डिसीजन लेते हैं इन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, वो पूरा फायदा नहीं होता है। इसके लेके अपना जो एक्सपीरियंस है टू टेल यू दैट ऑलवेज वेन एवर वी सिट फॉर दिस टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन, दो मत प्रभाव रहता है, अब कम करोगे तो जितना लोग चाहिए उतना लोग आते, वो लोग गर्दी करेंगे वो दो घंटे में, और उतना ही लोग बाहर आने वाले, बट द एक्सपीरियंस इज अदर वे अराउंड। एक्चुअली द मोमेंट आप लोगों को इट्स नॉट अबाउट द टाइमिंग, इट्स अबाउट द क्लैरिटी विथ विच वी आर एक्सप्लेनिंग टू द पीपल। हम जब टाइम पे लोगों को अपना टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन हम जब बताते, अपना एक्सपीरियंस ऐसे लोग उनका शेड्यूलिंग बहुत बढ़िया से बनाते, एंड इट हेल्प्स इन द बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो मच बेटर। बट आई थिंक एक्चुअली दैट इज द पास्ट एक्चुअली, क्योंकि उस समय अपने पास बाकी कुछ नहीं, कवच नहीं था, अभी सबसे बड़ा वैक्सीन अपने हाथ में। सो नाउ वी हैव चेंज द पब्लिक मॉड्यूल एक्चुअली। अभी हम बता रहे आपका दुकान, आपका जो शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट चालू करना है तो अपना वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, आपका और आपका शॉप में काम करने वाले लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन करने दो, उसका तो सम टेक्निकल इशूज आर देयर 84 डेज वगैरह दे, बट अल्टीमेटली दैट इज द फुल प्रूफ मैकेनिज्म एक्चुअली। जैसे टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन में देर कैन बी नंबर ऑफ व्यू पॉइंट्स, बट अल्टीमेटली वॉट वी फॉलो इज वट इज द सक्सेसफुल मॉडल। आपको बताना चाहता हूँ, जब केसेस बढ़ते गया था वी केम टू अ पॉइंट दैट एट 11 o'clock वी क्लोज एवरीथिंग एक्चुअली, बट लेट मी टेल यू आफ्टर दैट ओनली वी कुड सी द डिप इन द केसेस एक्चुअली। सो अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एटलीस्ट बींग अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, we take conscious and step by step calls in terms of staggering timing. You look at any country in the world actually, wherever the third wave, second wave struck, UK or any other country, any European country, they go for complete lockdown actually. They try to see that the chain is broken, they try to see that the mobility is arrested as much as possible. But apne country ke hisab se, apne shahar ke, apna condition ke hisab se, we try to adjust the public health policy based on the other parameter. It's not arbitrary in nature. इस पे बहुत सारे स्टडीज और अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आगे बढ़ते, इसलिए गवर्नमेंट ने इस सब चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए वो जो अगस्त महीना का जीआर नोटिफिकेशन निकला था उसको आधार पे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सर जैसे आपने बताया लास्ट टाइम फरवरी का, तो मैं आपको बता रहा एक स्टडीज है हमारे पास जो आप लोग के मैसेजेस आते फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में डेली 150 से लेकर 450 केसेस तक वेरी हुए और 3000 से लेकर 6000 तक पॉजिटिव केस शहर में थे। मैं इसका मतलब ये नहीं बोलता कि आज भी वो लेवल आना चाहिए तब हम, लेकिन वी आर नाउ मोर प्रोटेक्टेड। तब हमारे पास वैक्सीन भी नहीं था, ये भी नहीं था। जहाँ तक दुकानों में वैक्सीनेशन की बात है, जो मास वैक्सीनेशन हुआ वो अगस्त और सितंबर में हुआ, जिसके सेकेंड डोजेस आएंगे नवंबर और दिसंबर में।
तो ये एक था सर, मेन था जो अभी पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस में हम देख रहे हैं कहीं पर भी थोड़ा सा भी इन्फोर्स नहीं हो रहा मास्क पहनने के लिए, या मार्केट एरिया में दुकान में वो फोर्स कर रहा है, लेकिन जब तक कस्टमर उसके अंदर आएगा उसके बाद ही उसकी जुडिशरी चालू होती है, और अंदर आए बाद ही वो बोलेगा मास्क पहनिए सैनिटाइजर लगा। लेकिन जब रोड पे या स्ट्रीट पे लोग वॉक करते हैं या घूमते मार्केट में पब्लिक प्लेसेस पे और कहीं पर भी, तो थोड़ा सा सर उसमें ऐसा लोगों को लग रहा है इन्फोर्समेंट की कमी है, और हो सकता है वो एक थर्ड वेव के लिए वो धोखादायक हो जाए। आई पार्शियली अग्री विथ यू। सबसे इम्पॉर्टेंट हम सब समझना चाहिए लोगों का, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल डिफरेंट इश्यूज यू रेज, वन ऑफ द इशू इज अभी वैक्सीन आ गया, लोगों में ऐसे समझ निर्माण हो गया मैंने वैक्सीन ले लिया, डबल डोज ले लिया, मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला नहीं है, अभी मुझे आई एम कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड। सो दैट काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लैकलस्टर एटीट्यूड इज वन ऑफ द रीजन्स क्यों लोग मास्क नहीं पहनते। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर अभी हम ये समझना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कम्प्लीटली पुलिसिंग और इन्फोर्समेंट ऑल द टाइम। लोगों ने यह समझना चाहिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग करने जरूरी है, बंधनकारक है, क्योंकि आज भी हम देखेंगे तो आज भी अपने शहर में 3 से 10 केसेस के आसपास आज भी 10 केसेस है एक्चुअली। तो हम जब इन केसेस का अभी आजकल हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, हर चीज हर केसेस का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, हर केसेस का हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, हर आदमी कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड रहते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिथ है वो ब्रेक करना चाहिए लोगों में, वैक्सीन लेने के बाद अपने लिए कोरोना नहीं आएगा, वो मिथ तोड़ना चाहिए। अल्टीमेटली दिस हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम द सिविलियन साइड एंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। आपको इन्फोर्समेंट के बताने हैं तो वी हैव कलेक्टेड मोर देन 2 करोड़ रुपीज ऑफ फाइन्स एक्चुअली, वी कैन गो ऑन कलेक्टिंग मनी एक्चुअली, बट द इंटेंशन इज जैसे सी पी साहब ने बताया, द डिटरेंस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेटिंग पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेयर हम सब एक साथ आ रहे हैं। जब हम अपना शॉप में आ रहे हैं, शॉप में बाहर ही उनको बोलना चाहिए विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपको हैंड सैनिटाइज करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, आपको ये सब चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ज़्यादा भीड़ हो गई तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम इस कस्टमर को बाहर निकालने के बाद आपको अंदर रहने। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ बिहेवियरल चेंज एक्टिविटी, सो इट मे टेक सम टाइम, बट लेट मी टेल यू ओवरऑल द एक्सपीरियंस इफ यू फाइंड इन द सिटी, अपना शहर का लॉ अबाइडिंग नेचर इज मच बेटर देन मेनी अदर प्लेसेस यू फाइंड। ओनली थिंग इज दैट वी कीप ऑन नजिंग दम, वी शुड कीप ऑन टेलिंग दम, एंड लाइक आपने बताया हम NDS के द्वारा कार्रवाई करते हैं, पुलिस के द्वारा हम कार्रवाई करते हैं, आपको मालूम है बहुत सारे शॉप्स में भी हम जाके चेकिंग्स करते रहते, तब ऐसे प्रकार दूसरा तकरार तैयार होता है हमारे ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, अभी हमारा शॉप्स ओपन हो गया ऐसे टाइप का। सो अल्टीमेटली आई वुड सजेस्ट एक्चुअली इस पर जरूर हम हमारा कार्रवाई भी बढ़ा देंगे, बट अल्टीमेटली पीपल ऑल्सो शुड रियलाइज वैक्सीन इज नॉट अ मैजिक वैंड, वैक्सीन के साथ साथ लोगों ने मास्क भी पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंस भी करना चाहिए। सर बार बार एक वेरिएंट का नाम आता है, डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि ये फेसबुक लाइव शो है, सिर्फ लोग बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट, किसी को पता नहीं है डेल्टा वेरिएंट क्या है, तो थोड़ा सा आप नागपुर की जनता को बता पाएंगे डेल्टा वेरिएंट मीन्स व्हाट? इट्स लिटिल टू टेक्निकल बट आई विल ट्राई टू समराइज इनटू अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे अपना सेकेंड वेव शुरू हुआ था, जैसे सेकेंड वेव के शुरुआत में अपना कंट्री में जो यूके वेरिएंट नाम का चीज़ आया था एक्चुअली, जब यूके वेरिएंट आ गया था लास्ट विंटर के समय पे, आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी के समय पे अमरावती में कुछ केसेस का स्पाइक हुआ था आफ्टर दिस मैरिज सीजन गॉट ओवर। अपना नागपुर बीइंग मेडिकल हब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन विदर्भा, और इधर सेंट्रल इंडिया का सारे मेडिकल सपोर्ट हम करते, बहुत सारे पेशेंट्स इधर आए थे, और उनके केसेस में से ये जो वायरस रहते, दिस इज़ व्हाट द साइंटिस्ट से, दिस इज़ व्हाट द मिनी अपना मार्गदर्शक मंडल जे डॉक्टर लोगों से तज्ञ लोग सांगता, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वायरस जनरली टेक्स 3 to 4 मंथ्स के एक बार बाहर आता है एक्चुअली, म्यूटेट होते रहते। उस पर जो यूके वेरिएंट का थोड़ा अलग
ब्रांच म्यूटेशन हुआ था उसका जो था वो डेल्टा वेरिएंट, जो हम सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ अपना सिटी में आफ्टर द अमरावती केसेस इधर आने के बाद और ज़्यादा बढ़ने के बाद हुआ था एक्चुअली। सो जो केसेस अभी अब आपको देखा होगा डेल्टा वेरिएंट के नाम पे पूरा दुनिया भर में आ रहे, आज भी अपना केसेस हम जब केसेस आ रहे उस पर डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस आ गया, बहुत सारे एटा आ गया, बट अपना इस पर सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हम इतना रिस्ट्रिक्शन लेके आते, सबसे इम्पोर्टेंट है वी ट्राई अवर बेस्ट बाहर से, जैसे यूके वेरिएंट इंडिया में आ गया वैसे दूसरा कुछ वेरिएंट अपने शहर में नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम काळजी लेते, इसलिए हम एयरपोर्ट में सब जगह पे वगैरह ट्रैवल में हम आरटीपीसीआर वगैरह मंगाते। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक बार आने के बाद उसको आइसोलेट करने का, आइडेंटिफाई करने का। पहला वेव सेकेंड वेव में अपने पास ये नहीं था, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था इतना, अभी अपने पास जीनोम सीक्वेंसिंग का है, अपना नीरी के साथ और सीसीएमबी हैदराबाद के साथ अपना टाइप हो चुका है, हर केसेस को हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं इफ़ एनी न्यू वेरिएंट आ गया। दिस वेरिएंट्स मतलब कभी भी ये वायरस त्याचा रूप चेंज कर सकते और चेंज हो गया तो ऐसे प्रकार का स्पाइक बढ़ सकता है। सो दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन, एवरीवेयर होता है। इसके लिए बचने के लिए अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन है अपने पास, जैसे आपने बताया आज शहर में 13 लाख लोगों का वैक्सीन हो गया, बट अपना अपेक्षा है कम से कम और 2-3 लाख लोग शहर में है अभी तक आया नहीं, आगे आया नहीं, उनको भी वैक्सीनेशन में कवर करना चाहिए, उनको भी अपना नेटवर्क में लेके आना चाहिए, और अपना शहर में सब लोगों का डबल वैक्सीनेशन करने का ज़रूरत है, क्योंकि एक वैक्सीन से पूरा अपने प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, दूसरा वैक्सीन डोज के बाद ही इसको कंप्लीट वैक्सीनेशन बोलते हैं, वो सब चीज़ करके और आने वाले इसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, ऐसे प्रकार का बहुत सारी चीज़ करके ये करते हैं। जो ये डेल्टा वेरिएंट हो और चाहे दूसरा कुछ वेरिएंट हो, ये सब वेरिएंट वायरस का जैसे हम प्रोटेक्शन लेते रहते वायरस भी खुद का डेवलप उसका चेंजेस करते रहते उस पर आने वाला चीज़ है। सो डेल्टा वेरिएंट वॉज नथिंग बट अ चेंज फ्रॉम द यूके वेरिएंट, ऐसे आगे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ हो सकता है, इसलिए हम सब जागरूक रहना चाहिए और इस वायरस से बच के रहना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिनिस्टर सर, लेकिन सर जो हमारे मैरिज इंडस्ट्रीज वालों की कुछ कंप्लेंट्स थी कि हमारे मैरिजेस के लिए कुछ होता है तो कार्रवाई होती है, उसके लिए संख्या बाधित है, बट कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई संख्या बाधित नहीं रहती है, जबकि ऑर्डर्स में लिखा रहता है कि सब चीज़ें जो मैरिज के लिए वो लागू उनके लिए भी है, लेकिन ऐसा उनका बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है इंडस्ट्री वो, तो सर इस बारे में आपका क्या बोलना रहेगा? जैसे मैंने सीपी साहब ने बताया जैसे रूल ऑफ लॉ इज़ फॉर एवरीवन, वट एवर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जारी कर रहे हैं वो सबके लिए, ऐसे विशिष्ट घटक कौन से भी घटक के लिए ऐसे नहीं है, सो ये सबके लिए हम सबके लिए सेम लागू करते, जिधर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उधर हम जरूर एड्रेस करेंगे। सर फर्स्ट वेव में हमने देखा कि हम किसी को पता नहीं था कि ये कैसा रूप लेंगी, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा विकराल हो गई, हमने हमारे भी कई लोग खोए, हमारे कई व्यापारी, हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट, हमारे घर के मित्र परिवार सब ने किसी न किसी को खोया है। कहा जाता है कि थर्ड वेव इससे खतरनाक रहेंगी, हो सकता है मोर्टैलिटी कम रहे क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रमाण हिंदुस्तान में बढ़ गया है, तो जैसा प्रश्न तो हो गया मैडम के साथ में, लेकिन फिर भी नागपुर महानगर पालिका ने कोई जंबो हॉस्पिटल्स की तैयारी करी, थर्ड वेव बच्चों पे है, क्या हमने 2-3 हज़ार बेड बच्चों के लिए बनाए हैं, क्या तैयारी करे सर हमने उसके लिए? सर अब हम अब देखोगे तो फर्स्ट वेव के दौरान महापालिका में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल फंक्शनिंग था, IJR हॉस्पिटल फंक्शनिंग था, वो सेकेंड वेव में हम 8 हॉस्पिटल को फंक्शनिंग करवा दिया, ऑलमोस्ट 10 times मोर पेशेंट्स वी ट्रीटेड, उस पर हमने समाधान नहीं हुआ, अभी उससे डबल नंबर ऑफ बेड्स, आपको मालूम होगा बीच में पेपर्स में भी बहुत हो गया, हॉनरेबल गार्डियन मिनिस्टर का हर हफ्ते का मीटिंग और इसके बाद पर मिलियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बेड्स नागपुर में तैयार हुआ, नागपुर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम वर्क व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। सो बट नॉट उस पर ऐसे समाधान ना होता, आगे हम बढ़ रहे, जैसे आपने बोल दिया तरह बहुत सारे थियरीज होते रहते हैं, सो थर्ड वेव कब होगा, कभी शुरू होगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन, अभी हम क्रूशियल स्टेज में है जो फेस्टिवल सीजन में है, बट ऐसे कुछ हो गया दुर्घटना हो गया तो सब शायद बच्चे को कुछ हो गया तो बिकॉज हम वैक्सीनेशन नेटवर्क में उनको नहीं ले रहे, उसके लिए ध्यान देने के लिए हम महापालिका द्वारा एक चीज़ हमने किया,
अपना RTMNU का जो अंबाजरी कैंपस है उधर कुछ सामाजिक संगठना के मदद लेके एक एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हमने तैयार किया ऑलमोस्ट 200 प्लस बेड्स का विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ हम उधर तैयार कर रहे हैं। उस पर महापालिका के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेसिकली कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर एंड एवरीबडी हम मैन पावर का भी उधर अरेंज करने वाले। इसके अलावा अपना GMC IGGMC गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सब जगह अपना 25% बेड्स पीडियाट्रिक लोगों के लिए पीडियाट्रिक बच्चे के लिए तैयारी करके रखा है एक्चुअली। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा वो पीडियाट्रिक लोगों के लिए लगने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी हमने तैयार करके रखा है। ऐसे प्रकार का एक होलिस्टिक प्रिपरेशन वन कैन से उतना जो तैयारी हमने रखा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का समस्या हो नहीं होने के लिए ऑक्सीजन का स्टोरेज का बहुत बड़ा तरीके से हमने बढ़ा दिया। आई विल बी हैप्पी टू टेल यू जो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक है लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द एंटायर स्टेट सच अ बिग फैसिलिटी कलेक्टर मैडम ने हॉनरेबल ठाकरे साहब के टाइम पे उन्होंने बना के रखा है। सो इतना पालक मंत्री महोदय ने इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया हमारा फंड्स यूटिलाइजेशन के लिए इसके लिए। सो वी हैव मेड एन एलाबरेट अरेंजमेंट्स। सो दिस एलाबरेट अरेंजमेंट में महापालिका ने बहुत सारे पकवासा हो सिम्बियासिस हो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को हमने ऑक्सीजन बेड के साइड पे हमने लेके आया। उसके लिए खुद हम खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट के से मैन पावर का मदद मिल रही है। ऐसे प्रकार के एक कन्वर्जेंस का अप्रोच हमने रखा है सो दैट जो सेकेंड वेव में हमने समस्या हर आदमी ने अभी हम वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर्स तैयार कर रहे हैं। हमारा जो वंदे मातरम क्लिनिक्स है हर जगह पे 4-5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे बहुत सारे नामवंत लोगों ने हमको CSR द्वारा दिया है हर चिकानी 5-6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दे रहे। जो सेकेंड वेव में एक समस्या हुआ था लोगों को बेड मिलने में बहुत समय लग रहा था मिलने में बहुत कठिनाई हो रहा था उसको ध्यान लेके हर आदमी सपोज बेड के लिए वेट कर रहे तो तब तक ऑक्सीजन से वंचित होना नहीं चाहिए करके उनको एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ हम क्लिनिक्स ऐसे प्रकार छोटे छोटे हेल्प फोर्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे वी हैव ट्राइंग अवर बेस्ट एंड कीपिंग इन दैट वॉट एवर एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस गुड एक्सपीरियंस वी हैड एवरीथिंग वी हैव पुट इन प्लेस सो दैट उदया कल कुछ है केसेस बढ़ गए तो उसको अच्छी तरह से बेटर मैनर में हम हैंडल करेंगे। सर बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो दो फर्स्ट और सेकेंड वेव के समय लॉकडाउन लगे निर्बंध लगे इसमें व्यापारी ने भी सब साथ दिया सर। व्यापारी शासन प्रशासन के साथ है तभी ये निर्बंध सब सक्सेस हुए सर। और आगे आने वाले समय में भी अगर एप्रोप्रिएट समय पे और सब रहेगा तो हम आपका साथ देंगे। एक आखिरी में आपको नागपुर सरकार के लिए कुछ मैसेज है तो आप दीजिए सर। सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तक जो कुछ हमने जो सक्सेस किया इधर मैं खास करके हर व्यापारी शॉपकीपर्स एस्टेब्लिशमेंट ओनर्स सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिकॉज हर बार हम जो कुछ हम जाहिर करते हैं उसको प्रॉपरली उसको जो आपका रेसिस्टेंस रहते हैं कभी आप लोग उसका बारे मेमोरेंडम लेके आते हैं डेलीगेशन आते हैं बट अल्टीमेटली आप लोगों ने नियम को अच्छे तरह से पालन किया इसका पीछे का जो ओवरऑल लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को आपने समझा के लिया सो उसकी वजह से हम ओवरऑल वी आर इन अ बेटर पोजिशन दैन मेनी अदर सिटीज एज एंड टूडे। मैं इसके लिए आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आने वाले समय में अभी आप लोग समझना चाहिए ये पैंडमिक इज गोइंग टू स्टे विथ अस फॉर सम मोर टाइम एक्चुअली। सो उसी की तरह से अपना फंक्शनिंग भी डे टू डे बिजनेस भी फाइन ट्यूनिंग करने का जरूरत है जैसे टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ता है कैसे प्रकार कम समय में कैसे एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं हर ट्रेड में कैसे प्रकार का मोबाइल इनोवेशंस एप्लीकेशंस वगैरह लेके आ सकते हैं ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान देना चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लाइक टाइम एंड अगेन इफ समथिंग कम्स यूअर बिजनेस शुड नॉट सफर ऐसे प्रकार के। एंड सेकेंड थिंग नाउ द वैक्सीनेशन हैज कम इनटू द डायमेंशन हैज टोटली चेंज्ड सो वैक्सीनेशन के बारे आप ज़्यादा जागरूक करना चाहिए लोगों को ये करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वन मोर ऑब्जर्वेशन है इस वायरस कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बार बार सरकार से आपको अपने लिए इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं विच इज़ टेस्टिंग। एक्चुअली टेस्टिंग में हमको बहुत मदद हमेशा मिलता रहता है मार्केट से अभी आने वाले समय में भी स्पेशली अभी फेस्टिवल कल गणपति खत्म हो गया आने वाले समय में दुर्गा आने वाले
दिवाली समय होने वाले, सो इस समय पे वी नीड टू रैम्प अप अवर टेस्टिंग एक्चुअली। उसके लिए पहले जैसा नहीं है, वी डोंट कुछ महानगर पालिका में मैंने सुना एक्चुअली आपको कंपल्सन करवा दिया, आप जाके प्राइवेट में टेस्टिंग करवा के लो, बट अपना शहर में हम बोलते हम फ्री टेस्टिंग करके देते आपको, आप खुद आपका लोगों को आगे बढ़ा दीजिए, आगे लेने लेके आइए। सो लेट द टेस्टिंग बी कॉन्स्टेंट एंडेवर फॉर अस, बिकॉज टेस्टिंग से अपने लिए पता चलता है कहाँ पे क्या स्पाइक हो रहा है कहाँ पे, उससे वो जो लार्जर इवेंचुअलिटी है जो लॉकडाउन करने का बंद करने का, उससे हम वी कैन अवॉइड दोज काइंड ऑफ सिनेरियोस। सो माय सजेशन टू यू इज टेस्टिंग शुड नॉट बी लेट डाउन। उसके लिए जैसे आप अभी तक सहकारी के, उससे बेहतरीन ज़्यादा सहकारी आने वाले समय में करना चाहिए, ऐसे मेरा। जरूर सर, थैंक यू सर। या सजेशन मैं देना चाहता हूँ सर इस मामले में, सर एक सबसे बड़ी इस कोविड थर्ड में या कोविड सेकेंड में या कोविड फर्स्ट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि लोगों का अवेयरनेस, आपने भी अपनी बात में कहा सर, अवेयरनेस जो ऐसी तरीके का अवेयरनेस हमारे इसमें नहीं है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई व्यापारी हो, किसी न किसी तरीके के की अवेयरनेस की कमतरता इन लोगों में है सर। जैसे मैडम ने शॉपिंग की बात की, हम लोग भी यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के बड़े बड़े भाषण देते हैं, पर हमारे बच्चे भी यही काम करते हैं सर, सब यहाँ बैठे हैं, इसे कोई चुका नहीं है। इसके लिए निहायती हम सख्त न होकर हमें यह अवेयरनेस का मूवमेंट चलाना चाहिए शहर में। पालक मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, आप भी हैं, आदरणीय कमिश्नर साहब हैं, माननीय कलेक्टर महोदया है। मेरा एक सुझाव है कि आपके साथ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास शहर की मेन यंत्रणा है सर आपके पास, इसके अंदर में अगर नागपुर के एक महीने के लिए सारे के सारे होर्डिंग्स आप इनसे लेके आपका एक क्या है कि ये मुझे शायद नहीं मालूम इतना, लेकिन अगर मैं गलत हूँगा तो आप उसको नोट नहीं करिएगा सर, कि एडवर्टीजमेंट का एक सिस्टम होता है कि बार बार एक चीज़ दिखाओ तो आदमी के दिमाग पे हैमर करती है, उसको याद रहती है। अगर मैं गलत हूँगा सर उसको रजिस्टर मत करिएगा, अगर होगा तो आप सोचिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर के मनपा के अधिकृत जितने भी होर्डिंग्स हैं उनको आप लेकर आप तीनों चारों के मैसेज कि आपको शॉपिंग केयर के लिए नहीं जाना है या आपको मास्क पहनना है, और कोविड वन और टू में वे में जो तकलीफें जो नुकसान हुआ इस नागपुर शहर को, देश को, पूरे विश्व को, उसका कहीं ना कहीं कोई अच्छा आप लोग सब बैठ के कुछ ऐसा मैसेज दें और पूरा एक महीना नागपुर शहर के अंदर में ये मैसेज जाए, आप लोग के फोटो रहे, आप लोग के बोली हुई चीज़ रहे, आपके कुछ हमारे माध्यम से ये लोगों तक मैसेज पहुँचना। हम लोग बहुत ईजी हैं सर, जैसे आपने बहुत सर ने और आपने बहुत अच्छा मुद्दा कहा कि वैक्सीनेशन ले लिया है तो हम अपने आप को शेर समझ रहे हैं, हम कोविड के पिताजी समझ रहे हैं, अपने आप को कोविड के पालनहर्ता समझ रहे हैं, ये नहीं है सर, ये बिल्कुल सच्ची बात आपने कही है और ये बात लोगों को समझना जरूरी है। लोगों को क्या, हमको खुद को समझना जरूरी है। हम खुद भी फ्लाइट में जाते समय वो वहाँ से परिचालिका बोलते रहती है एयरोस्टेज की, बात रुक जाइए, लेकिन हम खुद पढ़ते हैं जैसे नीचे जाके हमें कोई विश्व युद्ध करना है या हमें कोई दौड़ के कोई अपॉइंटमेंट किसी को देना है। तो ये मुद्दे पर सर मेरा एक सुझाव है कि हम लोग आपके साथ, हमारी फेडरेशन आप लोगों के साथ में एनजीओ के माध्यम से काउंसलिंग करेंगे। हम हमारे जिस जिस ट्रेड यूनियन है, हमारे एरिया के लोग हैं, जहाँ जहाँ दुकानें हैं या जहाँ इंडस्ट्री है, तो हम लोग वहाँ पर काउंसलिंग के लिए क्लासेस ले लेंगे। आपके तरफ से कुछ एक टीम बना दीजिए, मैडम अपने टीम बना दे, पुलिस विभाग कुछ लोग हो जाए, तो धीरे धीरे काउंसलिंग करके यही एक मुद्दा है सर, नहीं तो हमारे जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला आने वाले समय पर, जिस हिसाब से विश्व स्तरीय बात हो रही है और ये अचानक उठेगा सर, ऐसा लगता है कि अचानक उठ सकता है, ना उठे तो भगवान की माया है। तो ये मेरा एक सुझाव था कि इसको अवेयरनेस स्ट्रिक्ट होने के, जैसे कमिश्नर साहब ने सही कहा कि उनको तो भारतीय संविधान में और महाराष्ट्र के कानून कायदे को और आपके लोगों के बनाए हुए जो भी मंत्रिमंडल कानून कायदे का पालन करना है, उनको तो नहीं होगा तो उनको डंडा देना ही है, उनको फटकार लगानी है, अरेस्ट करना ही है या उनके ऊपर कलम लगानी। तो ये एक अगर हमारे हमारा सुझाव है सर ये कि एक इस माध्यम से अगर आप अवेयरनेस करें, उसके बाद आप कड़क होंगे तो आप तो लोगों को पता ही चल जाएगा, अभी उन्होंने बताया हुआ है तो इस चीज़ का पालन सख्ती से होगा सर, ये एक मेरा सुझाव था सर। और ये अनुभव आपका जो है फर्स्ट और सेकेंड वेव का, जिस माध्यम से आपने जो जीआर सरकार ने दिया है, उस जीआर में फर्स्ट और सेकंड का अनुभव सर, आपने सरकार का अनुभव लेके ये नया जीआर आया है सर, बालक मंत्री महोदय मौजूद हैं यहाँ पर और महसूल मंत्री थे ऑनलाइन,
सर इस पे आपका अनुभव तो बहुत सही है सर हमारे प्रति, हमारा अनुभव भी कहीं ना कहीं आप लोग शेयर करें, हमारे से भी कहीं काउंसलिंग करें गवर्नमेंट कि हम लोगों ने क्या दिक्कतें ट्रेड और इंडस्ट्री ने सही है, झुग्गी झोंपड़ी ने क्या सही है, मध्यम वर्गीय लोगों के घरों में राशन नहीं है, घर पे खाने के लिए नहीं है, ऐसा कई उदाहरण है सर। मैं भोजन वितरण करता था, एक मुझे दोपहर में फ़ोन आया करीबन 2 बजे कि 4 लोग बहुत भूखे हैं, उनके लिए आप खाना भिजवाइए। मैंने तुरंत आदमी भेजा सर, जैताला एरिया की बात है, एक अच्छे बंगले के सामने, मतलब अच्छा नहीं, एकदम अच्छा मध्यम वर्गीय व्यक्ति का बंगला था, उसके सामने का एड्रेस दिया। जब वो आदमी हमारा लेके पहुंचा तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए, उन्होंने चारों खाना लिया सर। जब से मैंने मुझे बताया लड़के ने कैसे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि मेरे बच्चे जो है, मेरे लड़का और लड़की कहीं पूना में और एक कहीं औरंगाबाद में काम करते हैं, वो अटक गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। मेरे यहाँ घर के ऊपर में किराएदार था, 10,000 महीने था, तो वो भी छोड़ के चला गया, किराया दे नहीं रहा 4 महीने का। मेरे घर में राशन नहीं है तो मैं क्या करूँ, भीख मांग नहीं सकता, किसी के बाजू वाले के जाके अनाज मांग नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति ने हमारा नंबर लेके फ़ोन किया। कहने का तात्पर्य सर यही है कि थोड़ा सा अनुभव जो हम लोग का भी शेयर करेंगे सुझाव के तौर पर, सर आप लोग यू आर अथॉरिटी टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट थोड़ा सा सरकार को मेरा निवेदन है, बालक मंत्री महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, कि जनता के हित में कि शहर पूरा देख रहा है, थोड़ा देखेंगे और हम आपके साथ पूरे नागपुर शहर की जनता महानगर पालिका के साथ, माननीय पुलिस कमिश्नर के साथ, माननीय कलेक्टर महोदय के साथ, माननीय पालक मंत्री के साथ, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ, माननीय चीफ सेक्रेटरी कुंटे जी के साथ पूरी तरह साथ में, क्योंकि आप लोग डंडे बनाने वाले लोग हैं, तो इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचार करेंगे। इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, मेरे सुझाव पे अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत सारी बातें की। मैं श्री अर्जुन दास आहूजा जी उपाध्यक्ष NBCC, आपका सुझाव सबसे अच्छा है, जो आप बता रहे जो अवेयरनेस क्रिएशन के बारे, डेफिनेटली हम इसके बारे जरूर एग्जामिन करके आने वाले समय में, बिकॉज आई एंटायरली एग्री विथ यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्प्लीटली एनफोर्सिंग, लोगों का बिहेवियरल चेंज इज नॉट अ ओवरनाइट इशू एक्चुअली, इसको हम जरूर हम कैसे बढ़ावा देने का जरूर हम सोचेंगे। आपका जो अनुभव है, जो गवर्नमेंट के तरह से भी हम पॉइंट रखते हैं सामने, लोगों का भी हम सुनते रहते हैं हमेशा, ऐसे नहीं है। आपका भी जो और कुछ पॉइंट है तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर, बट अपना अल्टीमेट डिसीजन शुड बी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, जो कुछ चीज़ कर सकते हैं लोगों का जीव बचाने के लिए, जो कुछ डिसीजन इन लार्जर इंटरेस्ट में अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली हम ओपन रहते हैं हमेशा, वी कैन कीप इंटरेक्ट एंड वी कैन कीप डेवलपिंग आवर सेल्फ। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर इसमें फर्स्ट वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, जो लोग फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं ले रहे, तो हम नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहती है तो हम कुछ इंसेंटिव्स, कुछ लकी ड्रॉ, कुछ डिस्काउंट कूपन्स प्लान करेंगे सभी सेंटर्स पे, अगर आप कुछ आइडिया दे तो। वेरी गुड, सिंस यू हैव रिमाइंडेड मी, इनफैक्ट 2 दिन के पहले ही मैंने बताया था। हाँ रुजोशी साहब, गुड आवर स्पोकन टू यू। हमने सोचा अभी कैसे है, हर स्कीम में, एनी गवर्नमेंट स्कीम में आपको इनिशियल सक्सेस आराम से मिल जाता है। 50-60% लोग दे आर अर्ली मूवर्स, दे जस्ट कम एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। एक्चुअली हर स्कीम में, रेशन कार्ड, चाहे रेशन कार्ड हो, आधार कार्ड बांटने हैं तो, और एनी स्कीम है तो, जो लास्ट माइल कवरेज बहुत ही क्रूशियल रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि वो लाभार्थी जनरली बहुत ही बाहर नहीं आते, उनको जाके हमने आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उनका बाहर निकाल के उनको फ़ायदा पहुँचाना पड़ता है। ये हर स्कीम में अपना रहते हैं। उसी समय ऐसे प्रकार का NBCC हो, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है, व्यापारी लोगों का मदद लेने बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी सुझाव डिसाइड किया, अभी शहर में 3-4 लाख लोग है, आई डोंट वांट टू टेल विच आर द, वी हैव, हमने एरिया भी डिसाइड कर दिया, कौन सा जोन में, कौन सा एरिया में, बस्ती में लोगों का वैक्सीनेशन कवरेज कम है उसी एरिया में। और इसके अलावा भी हमने बोल दिया वी नीड टू इन्वॉल्व, अभी मेरा यंत्रणा के ऊपर और सरकारी यंत्रणा के ऊपर विश्वास ना रहते, अभी ज़्यादा अपना ये बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा सोचा है, जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर में लेके आओगे, वी विल फिक्स सर्टेन नंबर्स, 25, 10, 25, समथिंग लाइक दैट, ही विल गेट अ
some gift coupon or some discount coupon from many from a hotel or a grocery shop or any shopping center. जैसे हम ये देते gift vouchers देते. He can always utilize that actually. We can create such kind of positive incentivization बोलते हैं actually. उस पर हम यंगस्टर्स को लोगों को वगैरह हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बारे में मैंने आपके बात की, आपको लोगों का सहयोग रहेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का इससे अपना मल्टीप्लेयर इफेक्ट बहुत बढ़ता है. वी कैन इन्वॉल्व मेनी यंगस्टर्स, मेनी एनजीओस, वॉलंटियर्स हु वांट टू डू, एंड वी कैन इंसेंटिवाइज देयर व्हाट एवर गुड वर्क दे आर डूइंग इट एक्चुअली. सो दैट कैन बी डन. सिमिलरली वी विल अरेंज सम स्मॉल स्मॉल कॉन्टेस्ट एक्चुअली रोज छोटा एरिया में, उसी एरिया में उस लोगों का मोटिवेशन लेके आने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी आने वाले समय में हम ये भी डिक्लेयर करने वाले हैं हमारा नगर सेवक लोगों के लिए, जिस वार्ड में सबसे 100% करेंगे उनके लिए मैं अलग विकास काम का निधि भी हमारा मेयर और मैं मिलके देने वाला हूँ ज़्यादा निधि. ऐसे प्रकार का वगैरह कुछ ना कुछ मोटिवेशन कंपटीशन ऐसे प्रकार का चीज़ करके अपना जो लास्ट माइल कवरेज है विच इज़ द मोस्ट टफेस्ट इन एनी स्कीम वो तो हम करेंगे. तो क्योंकि जब पैंडेमिक वापस आके स्टक करता है उस समय दिस पर्सन हु इज़ नॉट वैक्सीनेटेड ही इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एज ऑन टुडे. वो आदमी को हमको हम सब मिलके बचाना चाहिए. उसके लिए आप लोग भी सहकारी करेंगे मेरा अपेक्षा है. आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव कम फॉरवर्ड. थैंक यू. अभी मैं अपने अर्जुन दाजी आहूजा, हेमंत त्रिवेदी और अनिल देशमुख जी से निवेदन करता हूँ कि वो अश्विन भैया के साथ मिलकर हमारे नागपुर शहर के महानगर पालिका के कमिश्नर सामान्य बी राधाकृष्णन साहब का स्वागत स्मृति चिन्ह दें उनको.